Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from here beta, that is mixtures. हमें mixtures से start करना है. अभी तक हमने metals, non-metals और metalloids के बारे में पढ़ा था. Now we are going to study about the mixtures. Okay? Mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. ये जो last के words हैं बेटा, these are must in the definition of mixtures. यानी एक दो या दो से ज़्यादा substance आपस में मिले हुए हों लेकिन chemically combined ना हो. That means उनको separate करने के लिए जो है वो physical methods ही enough हों. Chemical methods के through वो नहीं जुड़े होते. Example, जैसे आपने क्या किया, पानी में sugar mix कर दी तो वो क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा. लेकिन जो पानी है, पानी का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकली बाउंडेड है तो वो कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है. ओके, मिक्सचर्स और कंपाउंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे से समझने होंगे बेटा, जो कि मैं आपको अभी कराऊँगी थोड़ी देर में. पहले हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं. मिक्सचर्स जो हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं. जस्ट अ मिनट, यस, हियर वी गो. देखो बेटा, मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं. कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर विदाउट एनी विजुअल बाउंड्री. यानी आप उसको देख कर ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ. अगर आपने पानी के अंदर शुगर मिक्स करी है तो आप ये नहीं बता सकते बेटा सिर्फ देख के कि इसमें शुगर है या सॉल्ट है, क्या डिसॉल्व है. तो उस तरह का मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. और फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं एंड देयर इज़ विजुअल बाउंड्री. एक विजुअल बाउंड्री जो है वो उनके अंदर रह जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया, वाटर के अंदर क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया. ओके, ऑयल डाल दिया तो आप अलग से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इतना ऑयल है, यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है वो वाटर है. तो इससे क्या होता है बेटा कि एक विजुअल बाउंड्री बन जाती है, दोनों सेपरेट हम देख कर बता सकते हैं. वो मिक्सचर क्या होता है, उस तरह का मिक्सचर क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. ओके, होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए जो है बेटा वर्ड सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है. सॉल्यूशंस किसी का भी हो, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सॉल्यूशन हम लगाते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब हमारा कहने का ये होता है कि वो जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. इसके अलावा इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा, आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. देखो बेटा, मिक्सचर का क्या मतलब क्या होता है, मिक्सचर में जो भी आपके डिसॉल्व हैं चीज़ें, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, वो मिक्सचर उन दोनों ही कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पानी के अंदर शुगर डाल दी तो वो शुगर का टेस्ट भी देगा और पानी का जो लिक्विड नेचर है वो भी उसका बना रहेगा. अगर ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसमें वो सॉल्ट का भी टेस्ट देगा और किसका टेस्ट देगा, वाटर का भी जो है वो लिक्विड और टेस्ट वैसा का वैसा रहेगा. तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी अपनी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ शो करेंगे इन केस ऑफ मिक्सचर्स. लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है बेटा. कंपाउंड में आपने केमिकल रिएक्शन से बनते हैं कंपाउंड्स, और आपने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बिल्कुल ही नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि उसके रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. ओके, तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें आपको यही बता रखा है बेटा कि सपोज़ हमने आयरन और सल्फ़र को मिक्स कर दिया, तो आयरन और सल्फ़र को मिक्स करने के बाद भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एज इट इज़ रहेगी. मतलब अगर आप मैग्नेट पास लेकर आएंगे तो वो सारी आयरन की फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगी. ओके, अगर आप किसी तरह का एसिड डालेंगे तो वो अलग अलग भी वही रिएक्शन शो करेंगी जो वो अकेले शो करती हैं. तो दैट मीन्स मिक्सचर में आपने जो भी कॉम्पोनेंट डाला है वो अगर वो केमिकली कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ शो करेगा. यानी
आयरन और सल्फर दोनों मिक्स हो गए हैं, मिक्स होने के बाद भी दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेपरेट सेपरेट जो है वो शो करेंगे। ओके इसको आप पढ़ लेना बेटा, इसको सिर्फ एग्जांपल देकर आपको समझाया गया है, इसको लर्न करने वाले भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये बता रखा है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि क्या होता है मिक्सचर की दोनों कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ मेंटेन रहती हैं। ओके उसके बाद आता है बेटा आपका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो कि आपस में क्या होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं और फिक्स्ड रेशियो के अंदर जो है वो कंबाइंड होते हैं। उनको सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड एज द कंपाउंड। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्लेट लाइम है, मिथेन है, दीज ऑल आर। ओके फिर आपको दे रखा है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो अगर आयरन और सल्फर के कंपाउंड्स हैं दैट मीन्स उनके साथ कुछ भी केमिकली कंबाइंड है तो वो ना तो आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही वो अलग से सल्फर की प्रॉपर्टी शो करेगा। वो जो नया सब्सटेंस बना है उसकी अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड अगर बन गया है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो वो गैसियस हो जाएगा नेचर में तो उसकी जो है वो अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यानी कंपाउंड्स के अंदर जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है बेटा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, देखो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड की वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। ओके और जब भी कुछ भी बनता है बेटा, उनका कंपाउंड्स बनता है तो उसमें वो दो तरह के होते हैं। मैंने आपको 8th क्लास में भी बताया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो एंडोथर्मिक होती है जिसके अंदर की वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, या एक्सोथर्मिक होती है जिस रिएक्शन से हीट की जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। ओके उनका फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल शॉर्ट करके जो डिफरेंसेस हैं वहाँ गिवन है। अगर आपने डिफरेंसेस अच्छे से लर्न कर लिए बेटा तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लेट मी शो यू, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले है मिक्सचर। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट मैग्नेट्स एट्सेट्रा। तो मिक्सचर मैंने अभी आपको बताया बेटा, मिक्सचर्स को ईजिली जो है वो फिजिकल प्रोसेसेस से जैसे कि इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से, इनसे जो है क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड्स को सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता, उनको जो है वो केमिकल प्रोसेसेस से ही सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है फिर जो मिक्सचर होता है बेटा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो नया कंपाउंड बनता है बेटा उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके एनर्जी इज़ नाइदर गिवन और नॉर एब्जॉर्ब इन अ मिक्सचर। देखो एनर्जी की देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल आपको शुगर डिसॉल्व करनी है, साल्ट डिसॉल्व करना है तो आपको उसको गर्म ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो फिर हीट रिलीज होती है, जिसको हम एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा द कॉम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरिएबल।
the constituents can be present in any proportion by mass. This is very important point. जैसे इसमें क्या होता है बेटा, मिक्सचर्स में आप कॉम्पोजिशन वेरी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नींबू पानी बनाना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें शुगर डालोगे. एक चम्मच डाल सकते हो, दो चम्मच डाल सकते हो. आप एक चम्मच डालोगे तो भी वो मिक्सचर कहलाएगा. आप दो चार चम्मच डाल रहे हो तो भी वो मिक्सचर कहलाएगा. लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में रेशो फिक्स होती है. जैसे कि केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है. अब वाटर कब बनेगा, दो हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलने से ही बनेगा. अगर वो H3O बन जाता है तो वो आयन बन जाएगा. अगर सिंपली जैसे H2O2 बन जाएगा तो वो हाइड्रोजन परोक्साइड वो अलग कंपाउंड बन जाएगा. तो यानी जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर जो रेशियो होती है बेटा, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होती है और उनका डेफिनेट फॉर्मूला होता है. लेकिन मिक्सचर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो केमिकल कंबाइंड होते ही नहीं है और उनकी जो रेशियो है वो भी दोनों की वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि अब उसकी रेशियो ही फिक्स्ड नहीं होती है बेटा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. जैसे वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, और कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा कैसे होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे. लेकिन मिक्सचर क्या हो सकता है, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. अब होमोजीनियस व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हेट्रोजीनियस व्हेन ऑयल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर या टू एनी अदर इमिसिबल लिक्विड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, तो उसके आगे आपकी सैम्पल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेटा, साथ में आपको आंसर्स भी जो हैं वो गिवन हैं और बहुत बेसिक से सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं. आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, नोट्स बनाने के साथ साथ ये सैम्पल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आपको सॉल्व आउट करनी है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, एक मिनट रह गया बेटा थोड़ा सा. सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है बेटा वो आपको ट्राई करनी है. फिर आता है द केस ऑफ सॉल्यूशंस. मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को बोलते हैं. जो मिक्सचर बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी विजुअल बाउंड्री, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशंस भी बोला जाता है. जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन है विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. देन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, द केस ऑफ एलॉयस. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा. देखो एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ आपको पता है जो भी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है उसको जो है वो हम एलॉयज़ बोलते हैं. ठीक है, तो उन मेटल्स को बेटा, जैसे स्टील हो गया, स्टील भी एलॉय है, या फिर गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ मिलाया जाता है क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है ना, ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ठीक हो जाए, वो भी एक एलॉय होता है. तो स्टील को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से मिक्सचर हैं. फिर भी जो एलॉयज़ को है, एलॉयज़ को क्या कंसिडर किया जाता है, मिक्सचर कंसिडर किया जाता है इंस्टेड ऑफ कंपाउंड. ऐसा क्यों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एलॉयज़ जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उनको होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कंसीडर किया जाता है रादर देन कंपाउंड. इवन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, फिर भी उनको मिक्सचर क्यों कंसीडर किया जाता है. उनको मिक्सचर इसलिए कंसीडर किया जाता है बेटा बिकॉज ऑफ द टू रीज़न. वन रीज़न इज़ दैट कि जो एलॉय होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज को शो करता है. यानी जो भी एलॉय, फॉर एग्जांपल ब्रास है, ब्रास किस किस का मिक्सचर है, ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड जिंक का जो है वो मिक्सचर है. तो ब्रास जो होगा बेटा वो कॉपर की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा एज इट इज़, और जिंक की प्रॉपर्टीज भी एज इट इज शो करेगा. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कंपाउंड्स अपने उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं. तो दैट्स व्हाई वन रीज़न इज़ दिस. एंड सेकंड रीज़न इज़ दिस बेटा, इट कैन बी ऑफ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. अगर आप कितना ही जिंक कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना ही कॉपर कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, जो कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स की रेशियो बिल्कुल फिक्स होती है, प्रोपोर्शन बाय मास बिल्कुल फिक्स होता है.
तो दैट्स वाई दीज आर द टू रीज़न. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड रिमेंबर इट. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.